मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले के त्योंथर में 3,24,00,000 की लागत से कोलगड़ी के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के समीप आयोजित कोल जनजातीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री कोलगड़ी के जीर्णोद्धार और त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच से कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि कोलगड़ी का गौरव लौटाना मतलब त्योंथर का गौरव लौटाने जैसा है। भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने कोलगड़ी के जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन किया। की गठरी और किसानों के सर पे चढ़ गई थी, वो पूरा ब्याज 2,000 करोड़ रुपए का मैं किसानों की तरफ से जमा करूंगा ताकि किसान ब्याज मुक्त हो जाए और 0% ब्याज पे उनको कर्जा मिलने लगे। और केवल इतने ही नहीं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हर 80,00,000 किसानों के खाते में लगभग 2,000 रुपया भी किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। फसल बीमा योजना का भी 2,900 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जाएगा। तो गरीबों, किसानों, नौजवानों, माताएं बहनें हो, सबके साथ आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़ा है। रीवा में कौल भवन का निर्माण किया जाएगा जहां हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले भी ठहर सके और आने जाने भाई वाले भाई और बहनों को भी सुविधा मिल सके। भाई श्यामलाल जी ने कई मांगे यहाँ की रखी है, यहाँ की लिफ्ट इरिगेशन की योजना जो कई गांव में सिंचाई की व्यवस्था करेगी उसका भूमि पूजन हो गया है और बाकी भी आपने पुल सहित जितनी चीजें कही है उसको भी पूरा करने का काम किया जाए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।